Superhero. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक GTA का वो कार्टून ट्यूटोरियल जो आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ही वायरल हो रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले आज इस वीडियो में। तो वो वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम से आपको एक GTA का बैकग्राउंड एंड GTA का लोगो जो है, उस गेम का जो आइकॉन लोगो है, उसका एक PNG डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड एक आपको एक 5-6 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो गाइस, मैंने इसके लिए एक इंस्टाग्राम से वीडियो लिया है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए पहले आपको काइन मास्टर ओपन कर लिया है, यहाँ पर मैंने काइन मास्टर ओपन कर लिया है। देन आपको 9:16 सेलेक्ट करके आपको आपका वीडियो ले लेना है। तो मेरा अभी आ रहा है, एक मिनट, ये ऐड आ रहा है, वेट अ मिनट। आपको अपना जो वीडियो है, जो आप बनाने वाले वो वीडियो आपको ले लेना है। एक मिनट दोस्तों, वो वीडियो आपको ले लेना है। मैंने यहाँ पर अपना वीडियो ले चुका हूँ। तो यहाँ पर आप इसे प्ले करके देख सकते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं अभी आप, यहाँ पर प्ले करके चल रहा है। मैं इसका ऑडियो स्टार्ट कर देता हूँ। देन आपको जो इसका पोजीशन चाहिए, जैसे आप जिस आपने वो ऑब्जेक्ट हाथ में पकड़ा है, उसको आपको जाना है और कैप्चर करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कैप्चर एंड सेव कर लेना है। फिर आपको इसके बाद जाना है PicsArt एप्लीकेशन में। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना PicsArt एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको इस प्लस के आइकन को क्लिक करके एडिटर फोटो में जाना है। देन आप जो फोटो एडिट करना है, आपने जो अपने अभी काइन मास्टर से जो कैप्चर किया है, तो वो वाला फोटो आपको ले लेना है। फिर आपको जाना है इफेक्ट्स पर, और इफेक्ट्स पर जाके आपको राइट लेफ्ट स्क्रॉल करके वहाँ पर आपको एक स्केच का ऑप्शन मिल जाएगा। उस स्केच के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फर्स्ट वाला फिल्टर चूज कर लेना है। फिर उसके ऊपर एक और बार आपको क्लिक कर लेना है। एक और बार क्लिक करने के बाद आपको उसका कलर ब्लैक कर लेना है। जो हॉरिजॉन्टल जो -10 पर है, उसको आपको 0 पर लेके आना है। तो फिर आपको वहाँ से जाना है इरेजर में, और इरेजर में जाके आपको साइज छोटा करके आपको ये जो अनवांटेड पार्ट है मुँह के ऊपर, आपको इसको इरेज कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इरेज कर लिया है। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने जो अनवांटेड पार्ट है वो इरेज कर लिया है इस फोटो का। देन आपको राइट पे क्लिक करना है, फिर से आपको इफेक्ट में जाना है, और इस बार आपको जाना है मैजिक वाले ऑप्शन पर, और आपको थर्ड वाला फिल्टर अनडेड पे क्लिक करना है। फिर आपको वहाँ पर फिर से वही क्लिक करके आपको 3 सर्कल्स पर क्लिक करना है। देन आपको आपका फेड है, जो आपके फ़ोटो के हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है फोटो के हिसाब से। फिर से आपको इस ऊपर दिखा हुआ मर्ज का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और फिर आपको आगे जाके आपको एक ही हाईलाइट वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से उस पर क्लिक करके 3 सर्कल्स पर क्लिक कर लेना है, और उसका भी फेड आपको आपकी फ़ोटो या इमेज के हिसाब से कर लेना है। फिर आपको इसको फिर से मर्ज करना है, और आपको अभी आगे जाना है, और यहाँ पर आपको एक न्यू पॉप मिलेगा, आपको इसको ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर से आपको क्लिक करके 3 सर्कल पर क्लिक करके इसका भी फेड आपको एडजस्ट कर लेना है। इसका फिर अभी देख सकते हो हमारा इमेज रेडी हो चुका है। फिर आपको इसको remove.bg पे जाके इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। तो मैं इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड इरेज करके फिर से PicsArt में आया हूँ। फिर से आपको वही करके एडिट फोटो में जाना है, और आपने जो GTA का बैकग्राउंड डाउनलोड किया है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जाना है टूल्स पर, टूल्स में क्रॉप कर जाकर आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है। देन आपको बैकग्राउंड का जो पार्ट चाहिए आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ से जाना है ऐड फोटो में, और जो आपने remove.bg से बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ फोटो है, आपको उसको
आपको उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये फोटो ऐड कर लिया। फिर आपको इस फोटो को ऐड करने के बाद इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेना है आपके हिसाब के। फिर आपको वहाँ पर एडजस्ट में जाके इसका कॉन्ट्रास्ट, क्लियरिटी एंड सैचुरेशन आपको आपके बैकग्राउंड के हिसाब से कर लेना है। फिर आपको इसको राइट क्लिक कर लेना है। फिर आपको फिर से राइट क्लिक कर लेना है। देन आपको जाना है फिर से ऐड फोटो में, और यहाँ से आपको ये GTA का जो लोगो है आपको उसको ऐड करना है, लोगो का PNG ऐड कर लेना है। फिर आपको भी इसको एडजस्ट में जाके थोड़ा फार आपको इसका सैचुरेशन वगैरह और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ही कर लेना है। फिर अभी आपको ये इमेज ड्रॉ पर जाना है। डॉटर में ड्रॉ पर जाके आपको इस इमेज को सेव कर लेना है। फिर आपको जाना है फिर से काइनमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काइन मास्टर ओपन कर लिया। फिर आपको क्रिएट मोड पे जाके आपको 9:16 रेशो सेलेक्ट करके अपना जो पहला वाला वीडियो था आपने जो रिकॉर्ड किया है वो वीडियो आपको ले लेना है। वो वीडियो मैं ले लेता हूँ। यह मेरा वीडियो री इनकोड हो रहा है। फिर आपको यहाँ पर लेयर पर जाके मीडिया के ऑप्शन से जो फोटो अभी आपने पिक्सआर्ट में एडिट किया है वो फोटो आपको ले लेना है। आपको मीडिया पे जाके ले लेना है। उस जगह मीडिया के ऑप्शन पे जाके सीधे आपको मीडिया के ऑप्शन पर जाके वो फोटो ले लेना है। फिर आपको जो एक इसका म्यूजिक ले लेना है वो म्यूजिक मैं एक वीडियो के थ्रू ले रहा हूँ। फिर आपको इस वीडियो को सेलेक्ट करके आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देन आपको स्टार्ट ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको जो वीडियो डिलीट कर लेना है। गाइस मे बी ऑडियो भी ज़रा डिलीट कर लेता हूँ ड्यू टू कॉपीराइट। तो यहाँ पर मैंने फिर आपको यहाँ से ये ऑडियो बहुत अच्छी तरह से वीडियो को एडिट कर लेना है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें वीडियो को एक कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। अगर आपको अगला टॉपिक कोई सजेस्ट करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।